हे गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में, और मैं भी आप सब की तरह एकदम बढ़िया हूँ। जैसे कि आपने अभी टाइटल और थंबनेल में पढ़ा है, टाइटल और थंबनेल में देखा है कि आई क्विट द यूट्यूब, और ये बात सच है गाइस कि मैं यूट्यूब को क्विट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को देख के मैंने यूट्यूब को शुरू किया था वो हाल ही में मुझे देखने को नहीं मिली, क्योंकि मैं चाहता था कि YouTube से कुछ ऐसा हो कि जितनी जल्दी हो सके मैं ग्रो करूं। क्योंकि गाइस 2-2.5 साल हो चुके मुझे YouTube का करियर शुरू कर किए हुए, और अभी तक मुझे इतना कुछ खास रिस्पांस जो है YouTube से नहीं मिला है। तो इससे क्या होता है गाइस, एक डीमोटिवेट जो होता है ना वो हो जाता है बंदा, और आगे बढ़ने का कुछ सोच नहीं पाता है। और वही डीमोटिवेशन जो है मुझे मिल चुकी है, और मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं कितना डीमोटिवेट हो चुका हूँ यूट्यूब से, कि अभी मेरा कुछ यूट्यूब में काम करने का मन वगैरह नहीं करता है। हालांकि मैंने काफ़ी वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं, और ये वाली वीडियो भी जल्दी से जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और बाकी तो कुछ बताने वाला ऐसा है ही नहीं कि मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन हाँ कुछ मिनिमम बातें हैं जो कि आपसे शेयर करने थी। क्योंकि गाइस आप लोगों को मैंने सोचा था कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और मैं कुछ ऐसा ग्रो करूँगा, आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, लेकिन गाइस मुझे कुछ ऐसा रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है कि मैं आपको कुछ अच्छा दूँ। क्योंकि जब आप लोग ही मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो अच्छा कंटेंट कैसे क्रिएट करूँगा, क्योंकि आप लोग ही तो सजेस्ट करोगे कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। और यही खास रीज़न है कि आई क्विट द यूट्यूब इसलिए हो रहा है, क्योंकि डीमोटिवेशन जब एक बंदा हो जाता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आगे की जो जर्नी है उसको कैसे वो मैनेज करे। और हाल ही में मुझे इंस्टाग्राम से जो क्रिएटर का सर्टिफिकेट है वो भी मिल चुका है, जल्दी ही मेरे पास जो है रसीद हो जाएगा। वो एक तरफ से मुझे खुशी भी है कि इंस्टाग्राम का मुझे सर्टिफिकेट, क्रिएटर सर्टिफिकेट वो मिल चुका है, एक तरफ से दुख भी है कि मेरे यूट्यूब पे अभी तक 1K सब्सक्राइबर तक नहीं हुए। ओनली 30 सब्सक्राइबर की जो है कमी की वजह से मेरे यूट्यूब चैनल पे 1K नहीं हो सके। काफी मुझे कहते हैं कि भाई उस बंदे को देख तेरे से वो कितनी आगे चला गया, कि हालांकि उन्होंने तेरे YouTube चैनल बनाने के उन्होंने बाद चैनल बनाया है, और हाल ही में वो कितनी हाई तक लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो कहता गाइस उनके पीछे होती है सपोर्ट। जैसे कि अभी कोई आप किसी को लेके चलो कि एक बंदा है और उसके पीछे 500 बंदे जो हैं गाइस खड़े हैं, और एक बंदा है जिसके पीछे 20 बंदे खड़े हैं, तो ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी 500 वालों को, क्योंकि उसके पीछे 500 बंदे, अगर वो एक एक करके भी शेयर करे तो 500 का डबल कर लो आप, कितना हो जाएगा 1000 हो गया, ठीक है 1000 जो हो गया शेयर हो गया, 1000 जब बंदे ने वीडियो देखा है तो उस बंदे को मन लेगा मोटिवेट। अब 20 बंदे को आप 2 गुना करके चलो, 3 गुना कर लो, लेकिन कुछ इतना खास रिस्पॉन्स हो, 200 के आसपास व्यू आ भी गए तो वो इतना खुश नहीं होगा, क्योंकि वो कहेगा कि अभी मुझे 200 व्यू आए हैं तो 200 व्यू से क्या होगा, क्योंकि 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने का है, दिन रात की मेहनत लगती है। और हालांकि मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बनाते हैं। आप लोग भी सभी लोगों को ये सूचित कर देता हूँ कि मैं यूट्यूब को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेरा बनाने वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। और तो अभी भी गाइस टाइम है आप सभी के पास, अगर आप लोग अभी मुझे सपोर्ट करोगे तो गाइस मैं हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो क्रिएट करूं। क्योंकि जैसे कि मैं टारगेट रखता था मुझे 50 कमेंट चाहिए गाइस, हालांकि मुझे 50 मेरे 900 कुछ सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मुझे 50 कमेंट तक जो है मुझे नहीं मिलते हैं। तो इससे जो क्या होता है कि एक बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि यार मैंने 50 कमेंट क्या होते हैं गाइस वो नहीं मिल पाए, तो मुझे और ज़्यादा सपोर्ट कैसे मिलेगा और मैं आगे ग्रो कैसे करूँ। तो जो भी मैंने अभी तो मैंने यूट्यूब के लिए बड़ा ही ज़्यादा कुछ सोचा था कि मैं यूट्यूब पे ये
करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, लेकिन नहीं गाइस कुछ इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आया कि आया ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा क्रिएट करूं, आप लोगों को अच्छा दूं। हालांकि मैं फिलहाल काफ़ी कुछ खर्च कर चुका हूँ यूट्यूब वीडियो के लिए, काफ़ी दूर दूर तक मैं जो है जा चुका हूँ। हालांकि फिलहाल मैं हाल ही में भी गया था, बसोली भी गया था, आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो है लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। और उस वीडियो में मैं कारगढ़ तक गया था, काफ़ी खर्चा आया था उस वीडियो में भी मेरा, और उसके पहले भी एक दो वीडियो है जिसमें मेरा बड़ा ही ज़्यादा खर्चा आया था, आप सभी के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी और थोड़ा बहुत उसमें रिस्पॉन्स आया, ऐसा कि नहीं रिस्पॉन्स नहीं आया, रिस्पॉन्स आया है लेकिन जितना मैं चाहता था जितना मैंने मान के चला था उससे काफ़ी कम रिस्पॉन्स है। और बाकी तो मिलता हूँ फिर आपको आगे, देखते हैं अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा तो मैं यूट्यूब फिर से शुरू करूँगा, नहीं तो मैं यूट्यूब को क्विट कर दूँगा, बंद कर दूँगा यूट्यूब चैनल को। और आप लोग फिर से मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ गाइस, सपोर्ट किया करो, जो छोटा क्रिएटर हो उसको सपोर्ट किया करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से गाइस वो आगे जा सकता है। तो देखते हैं, गुड बाय।